नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और अभी हम लोग चल रहे हैं फुल काफी लेके, साथ में हमारी फॉर्च्यूनर और थार दोनों गाड़ियों को लेके। और अभी हम लोग कहां जा रहे हैं, सबसे पहले ये बता दर्शन। अपन जा रहे हैं भाई आइसक्रीम लेने। यस, तो देख सकते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से निकले हैं अपन लोग, और अपने जो दो भाई हैं वो तो बहुत ही आगे निकल गए हैं। और यार ये इतना हिल क्यों रहा है भाई दर्शन, इसको थोड़ा फिक्स करा है, कुछ ज्यादा हिल रहा है ये। हाइट ऊंची है ना उसकी। अच्छा अच्छा, हाइट ऊंची है भाई। हाइट तो मेरे को छोटी सी लग रही है इस भाई की, और ये पतला भी बहुत ज्यादा ही है। थोड़ा सा मोटा वाला लेके आया, ऐसे वाइब्रेट करता गंदा लगता है, फिर उसमें साइड में स्पेस दिखती खाली खाली। चलो छोड़ो भाई, अपने क्या लेन देन। तो अभी हम लोग बढ़िया जो है अपनी गाड़ी के अंदर काम भी करा लिया, आज पूरे दिन हमने जो है प्रोग्राम्स भी अटेंड कर लिए, और लास्ट के अंदर अब हम सारे भाइयों ने डिसाइड किया है कि हम लोगों का मन हो रहा है कि हम लोग जो है आइसक्रीम खाएं। अब देखो यार, एक नॉर्मल सी बात है दर्शन, जो आदमी इतनी मेहनत करता है, सारे काम करता है, तो उसके बाद में आदमी को थोड़ा प्लेजर भी जरूरी है। और अपन लोग बहुत ही सिंपल प्लेजर ढूंढ रहे हैं, वो है आइसक्रीम का प्लेजर। नहीं भाई, क्या मैं तो आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा तो आइसक्रीम फिर क्या करेगा तू? राम राम सारे भाइयों ने। हम दोनों भाई जाके एक्सरसाइज करने वाले हैं आज, ठीक है। आज हम लोग करेंगे होम जिम का सेटअप, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि यार अपनी जो है अभी लाइफ के अंदर सब चीजें परफेक्ट चल रही है, हम लोग फुल भोकाल मचा रहे हैं, हम लोग फुल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अभी हमारे कॉलेज चालू होने वाले हैं, हम पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, एक तरह से हम लोग पूरी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, बस हम लोग बॉडी की ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, है ना दर्शन। अब अपन लोग जो है एक अपने जो माइंड की ग्रोथ तो हो रही है, बॉडी की फिजिकली ग्रोथ भी अपने को करना बहुत जरूरी हो गया है। तो आज हम लोग जो है घर चल के बढ़िया जिम सेटअप करेंगे, वर्कआउट करेंगे, उसके बाद में लास्ट के अंदर आइसक्रीम शेक पी के सो जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी रेस आएंगे है, रेस आएंगे 101% है। हमारे रिश्तेदार नमन जी, ये देख लो, पहले तो मैनुअल गाड़ी चलाने के मजे अलग होते हैं यार। दरअसल मैनुअल गाड़ी हरा दे इन लोगों रेस के अंदर यार। सेफ नहीं होता, अच्छी बात नहीं है। सही बात है, सही बात है। इन लोगों में तो बचपन आया था उसने। हाँ, अपन के थोड़े मेच्योर्ड लोग हैं, अच्छे लोग हैं अपन। ये तो दोनों ऐसे ही है फालतू नल्ले बेरोजगार लोग हैं। तो इन लोगों का तो काम ही किया, यही काम है इनका जिंदगी में, लफंगागिरी करेंगे ये तो जिंदगी भर। अभी हमारे प्यारे नमन भैया जो है हमें फ्री के अंदर आइसक्रीम दिला रहे हैं। फ्री के अंदर तो क्या, नमन भैया के पैसे लग रहे हैं फ्री के अंदर। नमन भैया के पैसे लग रहे हैं, अपने नहीं लग रहे। ठीक है, एक बात बता, ये नमन भैया जॉब वॉब तो करते नहीं है, ठीक है, और फिर अपने को खिलाते पिलाते भी रहते हैं पूरे दिन, तो ये पैसे आ कहां से रहे हैं? मांगते रहते उधार लोगों से। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, फ्री में तो कोई कुछ नहीं देता। मुझे बहुत हंसी आ रही है। ज्यादा मजे में आते हैं ये लोग, मेरी गाड़ी का नाम और खराब कर रहे हैं, आगे चला गए। ब्रांड खराब कर रहे हैं, ब्रांड ब्रांड नहीं है। माहौल एंजॉय करने तो गाइस तो साथियों हम लोग आ गए नमन भैया की पान वाली दुकान पे, और यहाँ पे पीछे हमारे नमन भैया काम कर रहे हैं। नमन भैया पान खिलाना जरा। पान नहीं है भाई, तो दावत खराब हो जाता है भाई। आइसक्रीम, आइसक्रीम मिला रहे हो? हाँ। ठीक है भाई, आइसक्रीम खिला दो। धन्यवाद नमन भैया। तो साथियों आप लोग समझ रहे होंगे कि नमन भैया के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। नमन भैया जो पान की दुकान पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। नहीं नहीं, पार्ट टाइम जॉब नहीं करता, मेरा तो बिजनेस ही है ये भाई। अच्छा अच्छा, यही बिजनेस है क्या आपका? चलो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बिजनेस खोल रखा है आपने भैया। तो साथियों आप लोग तो मेरे को ये बताओ, आप लोग कौन सी टीम के अंदर हो, टीम थार या फिर टीम फॉर्च्यूनर? जल्दी से कमेंट कर दो आज, आप लोग आज देख ही लेते हैं ज्यादा पॉपुलर कौन है, थार की फॉर्च्यूनर। तो साथियों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नमन भैया इतने पैसे कहाँ से ला रहे हैं। नमन भैया का पार्ट टाइम जॉब अभी चल रहा है। नमन भैया ने जो उनकी मेन जॉब थी ना बैंक वाली, वो तो छोड़ दी थी, लेकिन जो पान वाले पनवाड़ी बने हुए थे ना, वो काम उन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है फ्री के अंदर आइसक्रीम भी खिला दी है। फ्री में तो खिलाई है, अरे हाँ फ्री में खिलाई है, बोले दुकान मेरी है, सब फ्री का माल है, वो ऐसे डायलॉगबाजी कर रहे थे। अगले का जलवा होगा यार। जलवा तो है यार उनका, उनका मैंने देखा है पान वालों में बहुत दबदबा चलता है उनका। पुलिस लाइट चल रही है, अपनी गाड़ी चल रही है, खुद चालू कैसे हो गई है? साइड में रोक, ये देख चल रही है, चल रही है। लाइट बंद करना, इधर आओ। ये देखो पिछले ब्लॉग में नमन भैया बता रहे थे ना कि लाइट जल गई थी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये खुद ही जली है, ये हमने नहीं जलाई। क्या दिक्कत चल रही है गाड़ी के अंदर भाई? रिमोट पीछे को पटक रखा है, हो गई बंद? हाँ। कर दी? हाँ। चलो ठीक है, ये बिना रिमोट के चालू हो जाती है और रिमोट से बंद हो जाती है, क्या मसला चल रहा है? अभी इसको हटा देते हैं तार वापस, नहीं तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, रात को दिक्कत देगी। अच्छा चलो ठीक है भाई, अब मत तोड़ देना इसको, पीछे आया मैं तोड़ दिया था, प्यार से हटाना इस तार को, ठीक है ना? हाँ अब नहीं जल रही, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है भाई। दरअसल यार ये क्या दिक्कत है भाई, है लाइट जल रही है बार बार यार, इसको ठीक करना कर दिए यार, सही करो यार भैया, ऐसे मत करो भाई, सेंड कर दे, सेंड कर दे, अब क्या बनाया जाएगा क्या? तो देख सकते हैं आप लोग, हमने धीरज भैया को व्हाट्सएप पे शिकायत भी कर दी है, अब धीरज भैया कल सुबह जो है इस काम को सही से कर देंगे। अभी लाइट ऑन दिख रही है, लाइट ऑन दिख रही है, पागल है क्या, उन्होंने वायर ही उखाड़ दिया, अब कैसे ऑन दिख रही है लाइट तेरे को? अच्छा हाँ, रियल पुलिस है। अच्छा वो रियल पुलिस है,
उनकी लाइट दिख रही थी तेरे को। वो तो तूने सही जगह रोकी है, तो उससे क्या हो जाता, आगे रोक लेगा तो भी कुछ नहीं होता। पूछताछ तो होती ना। हाँ पूछताछ तो हो जाती। चल के आते सालो फर्जी हो क्यूँ आज से पता नहीं क्या है। राम राम सारे भैया ने आज पहला दिन है किस चीज का। वो 75 हार्ड देखो बहुत धीरे बोलो। आज से हम 75 हार्ड का पहला दिन है। हां तो आज से सुबह पानी पी के फ्रेश होया। अरे फिर क्या है, ड्राई फ्रूट खाए, बादाम बना के बादाम पिए, फिर अपन ने वो करे 100 सपाटे 100 पुल अप और 100 जो भी किया। सुनो मेरी बात, रोज एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ बंद है, गलत चीज। आज नहीं लास्ट। चुप, तुमने बिना बताया कर रहे हो। धीरे बोलो, धीरे बोलो। तुम सबसे बड़े चलो ऊपर, ऊपर से बेंचेस हमारे पास में देखो, छत पे बेंच भी पड़ी है, बारबेक्यू साइकिल, बेंच, सारे के सारे अपने इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी जिम इक्विपमेंट सब लगाते हैं इस गैलरी में, तो काटती है बताओ। और गैलरी में ओपन जिम, ओपन जिम सुबह से रात को 2-12 बजे रात रोज जो रहेंगे ना, उसके बाद सारे भाई होता स्किपिंग का जुगाड़ हो रहा है। लाजो डन, कम ऑन बॉयज, चलो भाई चलो। लेकिन पूरी बात तो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का तो करो, आज लास्ट डे भाई। फिर पाइनएप्पल जूस पियेंगे फिर अपन कल से, क्यों नहीं। चिल्लाओ तो मत साला, तुम लोग यार आधी रात को साला चिल्ला रहे हो गली के अंदर। दर्शन ये तब पसीना, अभी तक तो आपने मेहनत चालू भी नहीं करी, फिर भी आपके खून पसीने बह रहे। देख सकते हो तो हम कितने मेहनती लोग हैं। मेहनत करे बिना पसीना आने लग जाता है हमें तो। मेरे तो नहीं आ रहा भाई, मतलब मैं मेहनती कम हूं। दर्शन का आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं रुद्र चोपड़ा आ गया है। रुद्र फेंक दो। ओए मैं एक काम करता हूं, अंशुल को उठा के ले जाता हूं। अंशुल खिड़की से बाहर फेंक दे यार, बहुत सही लग रहा है। पर वो सब तो ठीक है, तुम्हारी ये सब बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, कैमरे में कैद। ले ये भी कैमरे में कैद हो रहा है, बोल क्या करेगा मम्मी। ये हमेशा मम्मी क्यों करता है। आप लोगों के मन में एक चीज आती होगी कि मैं मेरे प्यारे दोस्तों को बुली करता हूँ, लेकिन मैं उनको बुली नहीं करता हूँ, एक्चुअली मैं उनको सिखा रहा हूँ। जैसे अंशुल है, कुछ ज्यादा ही कमजोर है, हर बात में मम्मी मम्मी करना चालू कर देता है। एक जमाना था जब मेरा दोस्त मानने भी ऐसा हुआ करता था, एक जमाना था जब मेरे और भी दोस्त ऐसा हुआ करते थे, एक जमाना था जब मैं खुद भी ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब हम लोग दमदार क्यों है, इसका कारण ये है कि हम लोगों को बुली किया गया है। मैंने भी बुली किया है, मैं भी बुली हूँ, सबने बुली किया है, और बुली कर करके अब हम लोग जो है मुष्टंडे हो चुके हैं। और मैं मेरे भाई अंशुल को भी मुष्टंडा बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा बुली कर देता हूँ। कैसा ज्ञान देने से आ रहे हैं कार्तिक के बारे में। मैं बुली करना अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। आ जाओ। इन जैसे बच्चों को अगर आप बुली नहीं करोगे ना, तो जिंदगी भर कमजोर रह जाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज से 3 महीने बाद देखना अंशुल आपको मर्द आदमी दिखेगा। अभी औरत है, अभी भी हूँ मर्द, नहीं तो औरत है अभी। हूँ मैं मर्द। वो तू अंशुल वो जाओ जाओ यार, ये क्या है, ये क्या लगते हैं आने वाले समय के मर्द, ये भी मर्द बनेंगे आने वाले समय के अंदर। इनको भी बहुत बुली किया जा रहा है आजकल। दरिंदा वाह कर दिया यार, तू तो सफाई एक्सपर्ट निकला यार। कदी किसका बदला निकाल रहा है इससे, तू यादें ताजा कर रहा है यार। भाई क्यों मार रहा था तू इसको इतना। अरे भाई ऐसे हाथ मजबूत बनते हैं तो एक बार नकल्स देख ले भाई के। मैं तो कह रहा हूँ अभी थोड़ा और मारते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे गड्ढा हो गया, ठीक है। हाँ अब ये सेम गड्ढा अपन यहाँ कर देते हैं बीच में। साथ ये सब छोड़ो दोस्तों, ये क्या चल रहा है। दरअसल आज पूरी बॉडी बना रहा तो चेस्ट भाई, चेस्ट एक हाथ से कर दो दर्शन भाई, एक हाथ से कर दो दर्शन भाई। ओह वाह वाह, 10 लगा दे, कर दी 20। ओ भाई भाई, जिसको अब अपनी जीवन का बदला निकाल लेना, इसको फेल उस वाले मैं वापस कर रहा हूं भाई। ये वन एंड आज के मेरे सारे सेट्स वन एंड ही रहेंगे ओनली। चलो तो अब इन तीनों को करने देते हैं अपनी अपनी एक्सरसाइजेस, और मैं जाता हूं अभी अंदर ब्लॉग एडिट करने। कहां जा रहा है भाई तू, कहां जा रहा है ब्लॉग एडिट करने? तू एक्सरसाइज नहीं करेगा ना, कल ब्लॉग तो डरना है ना। चलो ठीक है, वैसे भी ब्लॉगिंग के चक्कर में हम ढंग से एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे थे। हमारा क्या है, वो कैमरा के सामने हम लोग शाय हो जाते हैं थोड़ा, फिर ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो अभी हम लोग बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख सकते हैं हमारा भाई दर्शन कैसे एक्सरसाइज कर रहा है। हमारा भाई रुद्र जो है यहाँ पर रेस्ट सेट ले रहा है, अभी रेस्ट ले रहा है, ठीक है। अभी अभी सेट कंप्लीट हुआ है इसका, और अब तीनों भाई बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे। और तू अंदर जा और अंदर बैठ के बढ़िया एडिटिंग कर दे। और नमन भैया क्या कर रहे हैं ये भी दिखा दियो ब्लॉग के अंदर, ठीक है। नमन भैया सो रहे हैं, सो रहे हैं क्या, दिखा दियो सब लोगों से, बाद बैठना एडिटिंग करने हम आ रहे हैं आधे घंटे बाद, ठीक है। आधे घंटे एक्सरसाइज करेंगे हम तो। उनमें से कुछ लेग्स मार रहे हैं, कोई बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं, कोई शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं, बट यहाँ पे नमन भी आया है जो अपने फिंगर्स ट्रेन कर रहे हैं। तो क्या चाहिए भाई तेरे को, मेरे से क्या चाहिए यार, सुनो नहीं क्या चाहिए क्या। अब लाइटें बंद कर, एडिटिंग करूंगा, अब एडिटिंग करूंगा मैं।